अनबॉक्सिंग करते हैं, आप सही हो तो हम भी सही हैं। ये रही हमारी राइडिंग जैकेट, ये एक्सोर के राइडिंग बूट्स। सो जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। आ चुकी है एक और नई वीडियो लेके, और टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गए थे हम राइडिंग गियर्स वगैरह लेके, लेकिन उसकी अनबॉक्सिंग रह गई थी, तो आज उसी की अनबॉक्सिंग करते हैं। और बाकी आज का मौसम देखो यार, धूप हो रखी है, और आज मैंने अपनी NSB चमका रखी है, ये देखो अपनी स्वीटी चमका रखी है, और कपड़े भी थोड़े बहुत धो रखे हैं मैंने। तो चलो फिर बिना देरी करे यार, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे स्टार्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल विद अनदर ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और फिट एंड फाइन होंगे अपने अपने घरों में, और होने भी चाहिए यार, तभी तो यार हमको थोड़ा व्यूज़ वगैरह और हमारी पब्लिक हमको प्यार देगी। अगर आप सही हो तो हम भी सही हैं, हम सही हैं तो आप भी सही होंगे यार, पक्का है। होने चाहिए। बस अभी मैं छत में शूट कर रहा हूँ क्योंकि धूप भी आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा छत में शूट कर लेते हैं। तो बिना देरी करके चलते हैं नीचे, और जितना भी मतलब राइडिंग गियर्स वगैरह है मैं आपको अपने देखते हैं पहन के दिखाऊंगा, और सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे। वैसे तो मैंने कर लिया था चेक, लेकिन फिर भी आपको एक बार मेरा फर्ज है कि बता देता हूँ, है ना। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं नीचे। ये रही हमारी राइडिंग जैकेट। ओ भाई ये क्या है। तो भाई ये हमारी जैकेट RR गियर्स की, और मस्कुलीन ये चेक करो आप, ये देखो मस्कुलीन लिखा हुआ है, और RR गियर्स की जैकेट है हमारी राइडिंग जैकेट। तो हमको इसके साथ मिला है राइडिंग जैकेट, ठीक है। अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। राइडिंग जैकेट मिली है, रेन लाइनर मिला है, विंटर लाइनर मिला है, जो कि बहुत कम, और लेवल 2 है भाई, फुल लेवल 2 है। तो मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो उससे पहले मैं भी एक एक करके आपको उसको भी बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देख ली आपने राइडिंग जैकेट वगैरह देख ली है, तो इसकी अनबॉक्सिंग अभी करते हैं, और मैं और चीज़ें भी बता देता हूँ पहले कि क्या क्या लिया है हमने, तो ठीक है। और इसमें इसमें थोड़ी जॉगर्स वगैरह लिए थे मैंने, मैंने कहा राइडिंग जैकेट के लिए एक जॉगर्स ले लेते हैं। चलिए एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह से, क्योंकि अच्छा लग रहा था काफ़ी, तो डेनिम कलेक्शन से मैंने ये लेके आया था। बाकी सारा सामान दिल्ली से आ रखा है, और बाकी यहीं से जो जॉगर्स है भैया की शॉप से लिया था मैंने, कहा भैया की शॉप से लूँगा जहाँ से मैं लेते ही हूँ, तो आप भी जाना डेनिम कलेक्शन कोटद्वार में, ठीक है। और मेरा नाम ले लें यार, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हो जाएगा, अच्छा अच्छा रेट लग जाएगा। और फिर आती है बारी इसकी, बैग है, बता दिया मैंने अभी ओपन नहीं किया, तो अभी बता दो। तो गाइस लाइट आ गई दोबारा, और हम आपको किसी से मिलाना चाह रहे हैं। वो देखो कौन है वो, पीछे देखो पीछे। सुधांशु भी आ गया, तो हमारा भी कुछ प्लान बन रहा है, तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसको देख लेना। कोई अभी मतलब थोड़ा सबके लिए सस्पेंस है, बाकी इंस्टाग्राम में आपने सब देख लिया होगा। और हमारे दूसरे भाई है, मिलाते हैं, रुको जरा सबर करो, मिला रहे यार, भूले नहीं है हम, भूले नहीं है। तो ये विकास भाई हमारे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हमसे, तो कुछ काम कर रहे हैं, वो भी कुछ काम चल रहा था उनके घर पे, तो अब कंप्लीट जाके हो गया है, तो वो भी आ रखे हैं, और बाकी मिल लिए। और मैं आपको कुछ लास्ट में बताने वाला था, तब तक लाइट का हो गया था सीन, तो अब बताता हूँ। एक्सोर के जो सबसे मेन चीज है, 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा, तो देखो गाइस ये एक्सोर के राइडिंग बूट्स, इनको सबसे पहले इन्हीं को अनबॉक्सिंग करते हैं ना। चलो फिर करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, 1 2 3। पहले काम तो राइडिंग वाला, लेकिन दूसरा हम बताएंगे नहीं आपको, भाई दूसरा मैं बताता हूँ। देखो साहब सीधी बात, तुम्हारा भाई का कॉन्ट्रैक्ट का काम भी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा भाई, तो उसमें मैं लेबरों को दूंगा काम करने के लिए, ताकि भाई वो सीमेंट सीमेंट खींच पाए। सो गाइस ये देख लिया आपने, और अब दिखाता हूँ मैं राइडिंग जैकेट, अब दिखाते हैं हम आपको राइडिंग जैकेट। ये देखो ये हमारी तो गाइस ये देखो लेवल 2 है, पूरी लेवल 2 है, एल्बो शोल्डर चेस्ट इसकी सारी लेवल 2 प्रोटेक्शन है। और इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि रेन लाइनर मिला है और विंड लाइनर मिला है, विंटर लाइनर। तो अभी चलते हैं, और बाकी मैंने आपको एक चीज और दिखानी है, अब दिखाता हूँ आपको, ये भी लाया हूँ मैं, ये देखो ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं। तो गाइस ये बैग
अच्छा प्राइज मिला हमको, तो मैं आपको प्राइज बताता हूँ। हमको राइडिंग जैकेट मिली थी 10K बोल रहे थे, लेकिन हमको 8K में 10 मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 25K के हमारे पूरे राइडिंग एसेसरीज वगैरह पड़ गए थे। बाकी चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स मैंने आपको बताया था कि चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स न्यू दिल्ली करोल बाग में हम गए थे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा लोकेशन वगैरह बताई थी, हमने अनबॉक्सिंग करी वो मैंने आपको बता दी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब कैसे आपको जो राइडिंग एसेसरीज हमारी कैसे लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट जरूर करना। तो चलो फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। हैं नॉटी हो रहा, आई लव यू ऑल्सो, यस।